Hello my dear students, good morning to all. Today's date is 15 July 2021, subject English, class 1. My dear students, will be solving this question as a classwork, okay? Vocabulary. Choose the correct words from the box and write them under the picture. यहाँ पे बोला गया है कि आपको बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिया गया है और उसको आपको सही पिक्चर के नीचे लिखना है, ठीक है? जैसे क्या क्या वर्ड्स है देखो, कोल्ड, फैट, ओल्ड, फार, थिन, न्यू, हॉट, नियर, ये सब के आपका वर्ड्स दिया गया है तो आपको इसे सही पिक्चर के नीचे लिखना है। जैसे देखिए, ये क्या है, कैट्स का पिक्चर है, ये क्या है, थिन, ये कैट कैसा है, थिन है, तो आपको यहाँ पे थिन लिखना पड़ेगा, THIN, थिन। ये कैट दिखने में कैसा है, फैट, FAT, फैट। तो देखिए थिन का ऑपोजिट क्या हुआ, फैट, थिन, फैट। और नंबर टू देखिए, ये पिक्चर में क्या है, ये फ्लावर, ये बॉय का पास में है तो ये क्या है, नियर, NEAR, नियर। और यहाँ पे जो काइट है वो बॉय से बहुत दूर है तो क्या हुआ, फार, FAR, फार। तो नियर का ऑपोजिट क्या है, फार, FAR, फार। अब देखिए यहाँ पे दो अलग अलग बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, एक है पुराना जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओल्ड, OLD, ओल्ड, और एक है नया जो क्या है, न्यू, NEW, न्यू। तो ओल्ड का ऑपोजिट क्या है, न्यू, NEW, न्यू। अब देखिए फोर, यहाँ पे क्या है, इस लड़के को ठंडा लग रहा है, राइट, और ये लड़की को गर्म लग रहा है, तो ये जो लड़के को ठंडा लग रहा है उसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोल्ड, COLD, कोल्ड, और ये जो लड़की को गर्मी लग रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, HOT, हॉट। तो कोल्ड का ऑपोजिट क्या हुआ, हॉट, HOT, हॉट। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे पिक्चर देख के जो बॉक्स में जो वर्ड्स है तो आपको पिक्चर देख के सही वर्ड्स को लिखना है। जैसे थिन, थिन का ऑपोजिट क्या है, फैट, नियर, नियर का ऑपोजिट क्या है, फार, और ओल्ड, ओल्ड का ऑपोजिट क्या है, न्यू, और कोल्ड, कोल्ड का ऑपोजिट क्या है, हॉट। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे सही पिक्चर में सही वर्ड्स लिख के आपको इसे सॉल्व करना है। सो प्लीज़ ट्राई टू राइट द आंसर्स करेक्टली। थैंक यू।